जेंटलमैन ड्रामे का एक अहम किरदार यानी कि दिलबर, जो कि हाल ही में लास्ट रिसेंट एपिसोड में डेथ हो गई थी जिसकी, जो कि अब मज़ीद इस ड्रामे में आपको नज़र नहीं आने वाला, लेकिन इसके बारे में आज हम आपको कुछ अहम बात बताने लगे हैं। इस ड्रामे के करैक्टर यानी कि दिलबर और शाहरुख खान से रिलेटेड भी एक अहम बात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जो कि बिल्कुल हकीकत पर मबनी है और आप सब पहले भी ये बात शायद जानते होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, जेंटलमैन ड्रामा जैसे जैसे वायरल होता जा रहा था, इसका करैक्टर दिलबर उतनी ज़्यादा शोहरत पाता जा रहा था और इसकी सिंपल सी वजह यह थी कि वो उस ड्रामे में हीरो का राइट हैंड था, यानी कि हुमायूं सईद जिसका नाम इस ड्रामे में मुन्ना था उसका राइट हैंड और एक अहम किरदार अदा कर रहा था, यानी कि हर लीड रोल में ही नज़र आता था। कोई भी मसला हो तो दिलबर साथ नज़र आता था। वैसे दिलबर का किरदार अदा करने वाला शख्स पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है और अक्सर ही आपको ये मूवीज़ में नज़र आता है, स्पेशली हुमायूं सईद के साथ ही मूवीज़ में ये मोस्टली नज़र आता है। और उसकी वजह यह है कि इनके आपस में बहुत ज़्यादा बनी बना है और ऐसी मूवीज़ जिसमें फ़न को टच देना हो तो दिलबर जैसे करेक्टर लाजमी उसमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और मोस्टली यही शख्स ही आपको नज़र आता है। लाइक लंदन नहीं जाऊंगी या जवानी फिर नहीं आने वाली मूवीज़ में भी यही करैक्टर आपको नज़र आया था, जो कि फ़न करता हुआ नज़र आता है और फिल्म में जान भर देता है। इस बार भी इसका शुरू में रोल तो थोड़ा फ़नी था लेकिन बाद में बड़ा ही इमोशनल और सीरियस होता गया और एक इमोशनल टच आता गया और ये हीरो के साथ राइट हैंड का रोल प्ले कर रहा था, लेकिन गुजरता किस्त में इसको मार दिया जाता है और आगे ये आपको नज़र नहीं आएगा। याद रहे कि ये शख्स जो दिलबर का किरदार अदा कर रहा है असल में पाकिस्तान में पॉडकास्ट भी करता है, इसकी पॉडकास्ट भी काफ़ी फेमस हैं और उसके अलावा एक पाकिस्तान का जाना माना नाम और जाना माना एक्टर भी है। अलबत्ता इसकी मुलाकात दुबई में शाहरुख खान से भी हो चुकी है और शाहरुख खान इसके मदा हैं, यानी कि एक दूसरे की एक्टिंग स्किल्स को यकीनन पसंद करते हैं और इन्होंने शाहरुख खान ने इनकी तारीफ भी की थी और कहा था कि इनकी एक्टिंग स्किल्स बहुत बेहतरीन है, अगर ये बॉलीवुड में होते तो शायद ये कुछ और ही होते और बहुत बड़ा नाम हो सकते थे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।